हनुमान जी महाराज के चरणों में कहना है। ऐ मालिक ये सच है कि तेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस दरबार में बैठे हुए हमारे सभी भक्तगण, ऐ मालिक ये सच है कि तेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अरे मैं तेरा एहसान कैसे भूलूं जब तेरे टुकड़ों पे मेरा खानदान पलता है। बोल बालाजी सरकार की, कहना है। बड़ा प्यारा भजन है और इस भजन में हम आपसे निवेदन करें कि आप लोग भी हमारा साथ दें तालियों का। बार बार हमें ना कहना पड़े तो अच्छा रहे, वरना कहा है किसी ने कि भगवान के भजन में अगर आप बजाओगे ताली तो भगवान के चेहरे पे आएगी लाली, और भगवान के चेहरे पे आई लाली तो आपकी जेब नहीं रहेगी कभी खाली खाली। इतना ध्यान रखना भैया, इसीलिए कहना है। अरे जो खेल गए हैं प्राण पर, अरे जो खेल गए हैं प्राण पर, श्री राम के लिए। ये उनका दरबार है जो अपने प्रभु श्री राम के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, चाहे दिन हो या रात हो 24 घंटे भगवान की सेवा में खड़े हैं। इसीलिए अरे जो खेल गए हैं प्राण पर श्री राम के लिए, तो जरा दोनों हाथ उठा लो सभी लोग हमारे जो साइड खड़े भैया। अरे जरा दोनों हाथ उठा लो किसके लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बोल बालाजी सरकार की जय हो। तो कहेंगे अरे जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए।
काल के भक्त भगवान के दरबार में, जो आजकल के भक्त की बात बता रहा है आपके लाने, और इतने के भक्तन की नहीं बता रहे, हमारे इतने के भक्तन की बता रहे हैं। भगवान के दरबार में जैसे ही आए, भगवान के दरबार में जैसे ही आए, नारियल फोरे 15 रुपया को, 20 रुपया को, बस 15-20 रुपया को नारियल में मांगे का, भगवान हमारो 2 एकड़ को प्लाट डरे, तू को विवाद डरे, वो निपट जावे। 20 रुपए क्या के नारियल में 15-2 एकड़ को प्लाट भगवान से मांगे। लेकिन भक्त देखो हनुमान जी महाराज जैसे, कि जिन्होंने भगवान से कभी ये नहीं कहा कि भगवान हमें ये चाहिए, भगवान ने कहा जाओ तुम सीता जी का पता लगा कर आओ, लो प्रभु आपकी सेवा में हाजिर है, कोई भी काम को मना नहीं। इसीलिए लिखा है सागर को लाग के इनने, सागर को लाग के इनने सीता का पता लगाया, सागर को लाग के इनने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। तो माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, ओ जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। भगवान श्री राम के जब छोटे भाई लक्ष्मण के लिए मेघनाथ ने शक्ति मारी, तो वो मूर्छे टले हैं, भगवान श्री राम खुद रो रहे हैं, बताओ अब हम क्या करें। लेकिन उस वक्त भी उनके काम कौन आया, बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज। लिखा है या एक मिनट रुक जाओ, भजन हो जाए फिर चालू कर लियो। लक्ष्मण को बचाने की जब, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए हैं सजीवन बूटी, ये पवन वेग से जाकर
लाए सजीवन भूति। रात ही रात में अच्छा सोचो आप और सोचो आप और एक मिनट कल्पना लगाओ के हनुमान जी महाराज की स्पीड कितनी हुई है, हैं के हिमालय पर्वत है इस साइड और लंका है कितने। आज के समय अगर नाप लिया है तो 2400 के 2500 किलोमीटर की दूरी है, 2400-2500 किलोमीटर की दूरी। रात भर में आ गए वो वापस भी चले गए। आजकल कछु से भी जाओ तो नहीं पहुंचो, लेकिन देखो कभी कितनी स्पीड थी भगवान की हनुमान जी महाराज की कि रात भर में बूटी ले लई और वापस भी चले गए। संगे संगे 3-4 राक्षस को मार गए। इसीलिए लिखा है लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए हैं सजीवन बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए हैं सजीवन बूटी। तो पर्वत को उठाने वाले ओ सभी लोग एक दोनों हाथ को खड़े करेंगे सभी लोग और कहेंगे अरे जरा दोनों हाथ उठा ले मेरे हनुमान जी, ओ जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, जरा हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, ओ जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए हैं प्राण पर श्री राम के लिए, जो खेल गए हैं प्राण पर श्री राम के लिए, जरा दोनों हनुमान जी महाराज की।